जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट के लिए आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। अब जैसे कि एग्ज़ाम देने के बाद तो आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद भी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है अगर आप सक्सेसफुल यहाँ पर एग्ज़ाम पास करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर इस बार सब कुछ उल्टा हुआ है। बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, उसके पहले जो है रिज़ल्ट के पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। अब इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को किस तरह से प्रोसेस किया जा रहा है, कितने लोग कौन से डेट में बुलाए गए हैं, इसकी जानकारी हमने आपको कल एक वीडियो के माध्यम से सब कुछ दिया है, है ना। और ज़िला वाइज आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, यानी कि हर ज़िला में जो है आपको अपने ज़िला कार्यालय जाकर जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और वो जो है DRCC का ऑफिस हो रहा है जहाँ पर इसके डॉक्यूमेंटेशन सारे करवाए जा रहे हैं। तो कल 4 सितंबर था, और 4 सितंबर को बहुत सारे मतलब 38 जिलों में जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, उन सभी ज़िलों में एक चीज़ और हुआ यहाँ पर कि जिन लोगों का जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया उनको एक अगली तारीख दे दी गई। जैसे कि बहुत जगह अगली तारीख जो है 23 सितंबर को दिया गया, सॉरी 13 सितंबर को दिया गया। अब ये जो 13 सितंबर है, हो सकता है कि 12 सितंबर तक तो ये प्रक्रिया चलने वाली है, उसके बाद से उस ज़िले में वहाँ पे जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। लेकिन आपके ज़िले में किस डेट को दिया गया है री जो है आपका शेड्यूल जो हुआ है दोबारा से आपको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, तो वो किस डेट में हुआ है, तो ये इसके बारे में आप लोग भी बताइए। मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखला रहा हूँ, ये एक सूचना आई है दोस्तों, जो कि आज दिनांक 4 सितंबर को, ये कल जिन छात्रों ने यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंटेशन करवाया है भोजपुर ज़िला से, तो उनको यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 सितंबर को जिनका सम्मिलित होने वाले शेष बचे हुए अभ्यर्थी हैं, जिनका प्रमाण पत्र का सत्यापन दिनांक अब 13 सितंबर को कराया जाएगा। तो जिन लोगों का नहीं हो पाया है उन लोगों को भी जानना ज़रूरी है इस वीडियो के माध्यम से कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो कैसे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। और इन देखिए इनका जो आदेश आया हुआ है ये भोजपुर ज़िला के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग जो हैं भोजपुर के हैं, लेकिन ऐसा ही घटना जो है कल मैंने गया में भी देखा है और नवादा में भी देखा है, जहाँ पे ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया है उन लोगों को एक अलग अलग डेट्स दिए गए हैं। तो जिनका नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो ज़रूर बताइएगा कि आपका किस डेट में होने जा रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। अब बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो कैसे रहा है, तो इसकी मैं प्रोसेस आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बीपीएससी टीआरई का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और जिन छात्रों का जैसे कि आज है या आने वाले तिथियों में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वहाँ पर आपको क्या जो है थोड़ी सी चालाकी बरतनी होगी, या फिर अगर कहें तो सतर्क रहना होगा चीज़ों को लेकर, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो आपका जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ पर आपका एक पेज ओपन हो रहा है इस तरह का कुछ। यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि यूज़र नेम जो है और आपका पासवर्ड है ना, यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करवाया जा रहा है। लॉगिन होने के बाद जो है आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपका नाम दिखेगा और ये वेरिफिकेशन सेक्शन दिखेगा। ये वेरिफिकेशन कैंडिडेट कोड जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे वो लोग, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वहाँ पर अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है क्रम वाइज जो है लगा के रखना है ना, सीरियल वाइज लगा के रखना है। वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा यहाँ से कैसे रखना है, वीडियो में लास्ट में बने रहिएगा। जैसे ही यहाँ पे आपका वेरीफाई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स किया जाएगा, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर वाला आपका पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको दिखेगा। टाइप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको करेंगे और यहाँ से क्लिक करके सर्च करेंगे। सर्च करेंगे तो आपका कैंडिडेट का नाम दिखेगा और TRE में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, और अप्लाइड फॉर मतलब किस क्लास के लिए अप्लाई किए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपने क्लास 9 to 10 के लिए कल हो रहा था, आज भी 9 to 10 के लिए हो रहा है, तो ये बीच वाला जो सेक्शन है इस पर टिक किया जाएगा। जेंडर आपका मैच किया जाएगा, मेल है फीमेल है, ठीक है। जेंडर वेरीफाई होगा यहाँ पर और जेंडर अगेन वेरीफाई होगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद जो है आपका ये सारा प्रोसेस उनका है करने का, आपको कुछ नहीं करना है। फिर जो है यहाँ पर ये आपका सेक्शन जो है ये वेरीफाइड ऑफिसर का नेम आपको यहाँ दिखेगा, है ना, यहाँ पे दिखेगा। तो वेरीफाई ऑफिसर का नाम है और इनका डिजिग्नेशन क्या है ये आपको यहाँ पे वो डालेंगे, मतलब कि जो आपका वेरीफिकेशन कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ से क्लिक करके ओके करके आगे बढ़ेंगे। और एक जगह यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर आपको टाइमिंग और डेट वगैरह सब कुछ
दिखता रहेगा, वैसे उनको वो दिखेगा ही, वो सिस्टम पे अपना आपका जो है वेरीफाई कर रहे हैं। तो उसके बाद देखिए आपका ये पेज ओपन होगा, जैसे ही वो वेरीफाई करेंगे तो ये पेज होगा जहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिखेगा, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, यानी कि यहाँ से क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो है क्या क्या चीज़ें डाली है ना, सपोज़ मान लीजिए आप क्लास 9 to 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैंडिडेट का नाम दिख जाएगा यहाँ पे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा, जेंडर दिख जाएगा, है ना, जेंडर वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है जैसे ही आप व्यू एप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स डाले हैं वो, तो ये जो आपने डाले हैं वो तो यहाँ दिखेगा। अब यहाँ पे जो कुछ चेकबॉक्स दिखेंगे, ये जो चेकबॉक्स हैं यहाँ पे, इन चेकबॉक्स में आपको वो टिक करेंगे कि मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इनका सही है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इनका नहीं है। तो नहीं वाले में यानी कि अनवेरीफाइड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि वो वेरीफाई नहीं होगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। देख रहे हैं, अगर आपको यहाँ साफ साफ तो नहीं दिख रहा होगा, ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वहाँ पे जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो रहा था, तो ये देखिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और इसमें जो है इनको जो भी डॉक्यूमेंट सही लग रहा है उस पर वो टिक कर दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं। और जो भी अनवेरीफाइड वाला डॉक्यूमेंट है तो इसको भी यहाँ पे टिक कर, जो अनवेरीफाइड वाले हैं उसको टिक करेंगे, ठीक है। अब ये क्लास 9 to 10 का हो रहा है तो यहाँ टिक करेंगे। ये पार्शियल वेरीफिकेशन पे या अनवेरीफाइड पे या वेरीफाइड पे, ये तीन तरह का कॉलम यहाँ पे दिया गया है ना। ये क्या है, तो प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स जो है, प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स के कॉलम में वेरीफाई, पार्शियल वेरीफाई और नॉट वेरीफाई का ऑप्शन है। यदि आपका सभी पेपर 100% सही होगा तो सारा वेरीफाई में आएगा, और अगर कोई कोई डॉक्यूमेंट जो है अनवेरीफाई है तो उसको अनवेरीफाई में रखेगा, या पार्शियल मतलब कि उसके ऊपर जो है ना सोचा जा सकता है तो वो पार्शियल वेरीफाई में उसको डाल दिया जाएगा। बाद में सिस्टम पर सबमिट का एक बटन आएगा, है ना, यहाँ पर सबमिट का ये बटन आएगा तो ये सबमिट कर देंगे। उसके बाद सिस्टम पर एक सबमिट का ऑप्शन आते ही, सबमिट करने के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका पूरा माना जाएगा। साइन कीजिए रजिस्टर पे कि आपने जो है अपना डॉक्यूमेंट करवाया है, और एक रिसीविंग वहाँ पे आपको जो है, जैसे तो कहीं कहीं जगहों पे आपको मैसेज आ जा रहा है मोबाइल पे लेकिन लेट हो रहा है, तो यहाँ पे रिसीविंग जो नहीं भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जानकारी है यहाँ से दोस्तों, इस तरीके से जो है आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का प्रोसेस मैंने बताया। अब जो है आपको कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब आपको जब काउंसलिंग में जाना है तो अपनी डॉक्यूमेंट्स को जो है ना कुछ इस तरीके से सजा लेना है, क्योंकि कुछ छात्र जो हैं औरंगाबाद से थे, वो गए हुए थे वहाँ पर डॉक्यूमेंट करवाने अपना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो उनको बोला गया कि आप इस क्रम में जो है अपना जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ। जैसे कि पहला जो है क्रम आपका आधार कार्ड का है, तो आप लोग पहले आधार कार्ड रखेंगे अपना, फिर BPSC का एडमिट कार्ड है, फिर आवासीय प्रमाण पत्र है जो कि आपका रेसिडेंशियल है। अब जो रेसिडेंशियल है छात्रों के लिए तो ठीक है ना, जो छात्र यहाँ पे रहते हैं औरंगाबाद के हैं या किसी भी ज़िला के हैं आप, तो ठीक है। लेकिन महिला छात्रों के साथ कहीं कहीं जो है यहाँ पर गलत किया गया। अब महिला छात्राएँ जो है जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गई, तो किसी किसी जगह पे, जैसे कि मैंने नवादा की बात की, तो नवादा में बोला जा रहा है कि आप अपने ससुराल से ही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। गया में एक छात्रा से मेरी बात हुई, उनको कहा जा रहा था कि नहीं आप अपने मायके जाके अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी छात्राएँ हैं मैं आपको बता दूँ कि आप कहीं से भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। अब यहाँ पे चूंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, अपना सारा चीज़ जो है अपने डैशबोर्ड को ओपन करवा के जो है आप लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं से करवा सकती हैं। वो आप लोगों का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है क्योंकि आपकी पहचान हो सके, कि आपके पिता से आपकी पहचान की जा सके, इसलिए आपके जो है कहा जाता है कि अपने पिता के आधार का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रेसिडेंशियल जो है तो बनवा के लें। तो जो महिला छात्रा है आवासीय प्रमाण पत्र जो है अपना पिता के घर का बनवा के ले जाएंगी, तो ये प्रमाण पत्र को थोड़ा जानकारी देना था मुझे यहाँ पे इस वीडियो में, तो ये भी जानकारी आप लोग रखिएगा। फिर आप जिस आरक्षण कोटी में आती हैं उसके बारे में उसका जो है सर्टिफिकेट लेके जाना है, और नियोजित जो शिक्षक हैं वो अपना प्रमाण पत्र ले जाएंगे, नियोजन पत्र वो ले जाएंगे। STET प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, यानी कि छठा नंबर पर जो है STET प्रमाण पत्र भी ले जाना है अपना जो पास किए हैं आप लोग। जन्मतिथि प्रमाण पत्र के जो पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले जाना है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में जैसे कि मैट्रिक का अंक पत्र और उसका सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, स्नातक का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, और जो भी स्नातकोत्तर हैं, वैसे तो वैसे 11th-12th के लिए मांगा गया है लेकिन आप अगर हैं तो आप इसको लेके जाइएगा। BEd है उसका मार्कशीट और उसका जो है आपका प्रमाण मतलब सर्टिफिकेट,
यहाँ पे दिया गया है कि उपरोक्त सभी मूल कागजातों को और शैक्षणिक प्रशिक्षण के प्रमाण पत्रों की छाया प्रति भी ले जाना है, 2 प्रति, है ना। इसमें फोल्डर बना लीजिएगा, एक प्लास्टिक का फोल्डर ले लीजिएगा, फोल्डर फाइल में डालकर जमा करेंगे। फोल्डर फाइल के ऊपर जो है बीपीएससी विद्यालय अध्यापक नियुक्ति 2023 विज्ञापन संख्या 26/2023 का एक जो है स्टिकर चिपका लीजिएगा, वहाँ पे लिख दीजिएगा उसके बारे में, पूरा स्थायी पता अपना दीजिएगा और उस पर ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जिससे कि आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके, है ना। साथ में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा, तो मोबाइल नंबर अपना दे दीजिएगा वहाँ पे अच्छे से लिखकर उसको, और वो फोल्डर जो है आपको जमा करना है, ये 2 फोल्डर आपको जमा करना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो दोस्तों कि आपको वहाँ पे देने होंगे। तो इस तरह से जो है आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है दोस्तों हर एक जिला में। तो अगर इसको लेकर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर बताएं, इसके रिगार्डिंग हम लोग आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। जय हिंद।